हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग लेसन 3 मैथ का सब्ट्रैक्शन ऑफ वन डिजिट नंबर। अब ये देखिए सब्ट्रैक्शन क्या है। सबसे पहले तो वन डिजिट नंबर को रिकॉल कर लेते हैं। एक अंकों की संख्या कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें सिर्फ एक है। अच्छा, अब ये देखिए जैसा 2 3 क्या हो गया? 23। इसमें कितने डिजिट हैं? एक और एक दो, तो ये दो अंकों की संख्या हो गई 3 4 5। क्या होगा? 345। इसमें कितने डिजिट हैं? 1 2 3। तो चलिए इस ये सारी चीजों को छोड़िए, भी हम लोगों को क्या करना है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वन डिजिट नंबर। दैट्स व्हाई वी हैव टू रिकॉल द वन डिजिट नंबर फ्रॉम 1 to 9। एक अंकों की संख्या के बारे में माइनस सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, इसीलिए सिर्फ हम लोग एक अंकों की संख्या पर ही कंसंट्रेट करें। तो ए वन डिजिट नंबर क्या क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और इसी का हमको माइनस सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन का मतलब है माइनस। अब देखिए माइनस को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं। जैसे अब मेरे पास आप देखिए ये 3 4 चौक के टुकड़े हैं। ये मेरे पास कितने हैं चौक? 4। 1 2 3 4 मेरे पास 4 ये टुकड़ा है, ठीक है। अब मैंने पहला सवाल क्या लिख रखा है यहाँ पर देखिए। पहला एग्जांपल मैंने लिया है 3 - 1 = 2। सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि मेरे पास जितनी चीजें हैं उससे कुछ चीज कम हो गया। उसके लिए हम ये साइन देते हैं, चिन्ह इस तरह से, और इसको बोलते हैं माइनस। क्या बोलते हैं? माइनस मतलब घटाव, घटना, कम होना। अब यहां पर देखिए 3 है तो 3 हमने लकीर खींच रखी, 3 लाइनें। माइनस 1 का मतलब जो नंबर इधर रहेगा उतने को यहाँ कट कर दीजिए, हटा दीजिए। तो हटा दिया तो अब कितना बच गया? काउंट करिए 1 2 लिख दिया, क्लियर है। चलिए दूसरा एग्जांपल 4 - 2। अब यहाँ पर 4 लाइन हम खींच दिए, 2 है यहाँ पर। माइनस 2 का मतलब कि 2 लाइन को हटा दीजिए, कितना बच गया? 2। सिमिलरली पहला में क्या था हमारा? 3 चौक था, 3 चौक का टुकड़ा है हमारे पास। माइनस कितना कर रहा है करने के लिए? 1। तो 1 चौक हमने यहां रख दिया, कितना बच गया? 2। इसी को कहते हैं सब्ट्रैक्शन, घटाव। अब दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वह है 4 - 2। 4 - 2 यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 - 2। अब ये 4 चौक है, अब 2 कह रहा है कि नहीं है, हट गया, 2 कोई ले लिया, संदीप सर ने ले लिया 2 चौक। तो अब देखिए मेरे पास कितना चौक बच गया? मात्र 2। तो क्या हो गया? 4 - 2 = 2। इट इज क्लियर। तो इसी को कहते हैं सब्ट्रैक्शन, घटाओ। समझ में आ गई बातें? तो एक दो सवाल और मैं कर देती हूँ, फिर मैं आपको इसके वर्क दूंगी जो बुक में दिया गया है। अब तीसरा सवाल एक मैं कर रही हूं, 4 - 3 = 1। कैसे हो गया ये देखिए, 4 लकीर खींचिए, माइनस 3 के बदले 3 को काट दीजिए, कितना लाइन बचा? 1। यहां पर 1 लिखिए, समझ में आ गई बातें? चलिए ठीक है, अब इसको ऐसे भी देख लीजिए आप। ये हमारे पास है 4 चौक का टुकड़ा, और 4 चौक के टुकड़े में कितना माइनस करने के लिए कह रहा है? अब ये सचिन सर आ गए और ये 3 चौक उन्होंने ले लिया, तो मेरे पास कितना बचा? 1। मतलब ये सब्ट्रैक्ट हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, घट गया, कम हो गया। ओके, समझ गए? तो अब चलिए और एक दो सवाल मैं कर देती हूँ तो आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। अब ये देखिए 5, इट इज ऑल्सो वन डिजिट नंबर, माइनस 3। क्या करना है? बहुत ही सिंपल तरीका है, 5 लाइन को आप खींच लें, और माइनस 3 का मतलब
मतलब है कि तीन लाइन काट दें, उसके बाद बचे हुए लाइन को काउंट करें कितना बच गया, वन टू, यहाँ पर टू लिख दीजिए। तो फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू टू, इट इज क्लियर। चलिए अब आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, अब आपको घर के लिए हमने वर्क देना है तो आप इसको करके रखिएगा, ठीक है। और फिर हम लोग इसी पार्ट को आगे बढ़ते हुए फिंगर से कैसे काउंटिंग करेंगे। ये दो पेज आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है और आप इसको होमवर्क कर लेंगे। ठीक है, चलिए ओके, मोर इन नेक्स्ट क्लासेस। इतना आप वर्क कर लीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में हम लोग बाय सब्ट्रैक्शन बाय फिंगर काउंटिंग और नंबर स्ट्रिप्स के द्वारा पढ़ेंगे, ठीक है, ओके बाय।